हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद निशा चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का डिलीशियस हलवा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसके लिए मैंने ली है मूंग दाल और मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रखा है। अब हमें इसे पीस लेना है, तो बिल्कुल ही हमें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना, और पानी बिल्कुल ही हम निकाल देंगे। देखिए, दाल हमने पीस ली है। ये मैंने एक बाउल दाल रात को भिगो के रखी थी, ये मैंने पीस ली है। अब हमें एक पैन को गर्म कर लेना है और उसमें डालना है घी। ये एक बाउल मैंने दाल ली थी, तो मैंने आधा बाउल लिया है घी। इसमें और घी जाएगा, पर अभी हम इतना ही डालेंगे। घी हल्का गर्म हो गया है, इसे हमें धीमी आंच पर बस ऐसे ही हिलाते रहना है।
बेसन्स की ज़रूरत है। खुद की धीरज से बनाना पड़ता है इसे और तबियत से भूलना पड़ता है। पंद्रह मिनट हो गए हैं अभी और हमें इसे 15 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से भून लेना है। बीस मिनट हो गए हैं। दाल को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही हमारा जो हलवा है वो दानेदार बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो हमें इसे और 10 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी जो दाल है उसे हमने भून लिया है। करीब 30 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा। और अब हमें इसमें डालना है गरम दूध 2 कप। मलाई वाला लिया है।
चीनी। इसमें डालना है थोड़ा सा घी। और थोड़ा सा घी डाल देंगे। हलवा हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।